हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। माय नेम इज हरीश होजा। आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि रिटर्न वर्सेस प्रिंट, यानी कि रिटर्न और प्रिंट में क्या अंतर होता है, क्या कॉम्पिटिशन है इन दोनों के बीच में, हाउ, कैसे। अभी मैंने आपको बताया था कि रिटर्न कैसे यूज करते हैं, लेकिन अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रिंट भी कैसे यूज करते हैं। हालांकि प्रिंट भी आपने पहले कभी यूज किया है, लेकिन फंक्शन में प्रिंट कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सपोज करो आपने दो नंबर का आपने एडिशन चाहा, यहाँ पे आपको रिटर्न कर रहे थे, रिटर्न करके हम प्रिंट करा दे तो आउटपुट कैसे आ रहा था आपका, ये देखिए। पहले आप प्रिंट कर रहे थे यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे एड टू करके फंक्शन को कॉल करा के हमें वैल्यू पास करवा रहे थे। तो दोनों का एडिशन क्या आ रहा था आपका, जो आप चाहते थे वही इसका एडिशन आ रहा है आपका, ओके फाइन। सपोज करो मैं यहाँ पे प्रिंट ना करवाऊ, इसको यहाँ पे प्रिंट ना करवाऊ, तो क्या यह आउटपुट देगा? मैं कहूंगा नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, आउटपुट देगा ही नहीं आपका बिल्कुल भी। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे प्रिंट लिख के और इसी को मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, प्रिंट ए प्लस बी। अब देखिए इसका आउटपुट कुछ आया क्या, आउटपुट आपका आया इस बार, फाइन। आप समझ रहे हैं ये क्या हुआ आपका, जब पहले रिटर्न था ये वाला तो क्या आउटपुट आ रहा था आपका, कोई नहीं आपका। लेकिन जब आपका प्रिंट हो गया तो प्रिंट के बाद क्या आउटपुट आया आपका, जो आपने चाहा वही आया आपका आउटपुट। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपका, रिटर्न वर्सेस प्रिंट। अब ये तो मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा आपका, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे बेटर आपका रिटर्न है आपका, सबसे बेटर और सबसे बेहतरीन रिटर्न। क्यों, सपोज करो हम किसी को कुछ ना कुछ देंगे तो उससे कुछ ना कुछ तो लेंगे, उम्मीद रखते हैं हम किसी को पे अपना ब्याज पे पैसा, यानी कि इंटरेस्ट पे कुछ लोन भी देंगे, लोन भी देंगे किसान वाले को, तो उससे लोन प्लस ब्याज यानी कि अपना इंटरेस्ट भी तो लेंगे हम लोग उससे कुछ ना कुछ, मतलब जिसको दिया है उससे अपने लिया है। तो ऐसे सिंपली आप सोच चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा एक प्रोग्राम के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, कि रिटर्न वर्सेस प्रिंट में से दोनों में से कौन अच्छा है आपका। सपोज करो कि मैंने यहाँ से आपका रिटर्न करवाया प्रोग्राम, ओके, और ये सिंपली यहाँ पे इन दोनों ने, हाँ मैं रिटर्न करवाना चाहूंगा किसवा, एक नेम के थ्रू, सपोज करो, हाँ ये ठीक है। दोनों का एडिशन यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूँ आपकी नॉर्मल 30, और यहाँ पे पास कर रहा हूँ मैं नॉर्मल 20। अब मैंने बोला इन दोनों का एडिशन मेरे पे कैच कर लिया मैंने दोनों का एडिशन, अभी मैं सिंपली इसको प्रिंट करूंगा तो कोई प्रिंट नहीं आएगा आपका। ये रिटर्न फंक्शन का यूज जरूरी नहीं हम प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं कि प्रिंट करेंगे ये दे देगा तो प्रिंट कर देंगे, नहीं, रिटर्न फंक्शन का हम यूज करते हैं आपका कि इससे वैल्यू को गेट करने के लिए, पाने के लिए, ताकि हम उस वैल्यू को आगे और फॉरवर्ड कर सके, आगे कहीं ना कहीं यूज में लगा सके। अब वो कैसे आगे यूज में लगाए, लेकिन जब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे तो ये प्रिंट वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ वैल्यू को प्रिंट कर देगा। देखो मैंने जहां मैंने प्रिंट लगाया आपका तो इसने वैल्यू को आपकी प्रिंट कर दिया आपका, आप समझ रहे हैं, उसने वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ये देखिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाना चाहता, मैं सिर्फ वैल्यू को गेट करना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ। जैसे लेन फंक्शन में सिर्फ हमने वैल्यू को गेट किया था आपका, फिर उसको प्रिंट किया था, मैं सिर्फ वैल्यू को गेट करना चाहता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर सकूँ कुछ इस तरह से। सपोज करो सामने वाले बंदे ने आप वोटिंग करना चाहता है, उसने एज डाली आपकी 30 और 20, मैंने इन दोनों का मिला के बोला एडिशन कितना आ रहा है आपके हिसाब से, 50 आ रहा है आपके हिसाब से 50, तो एज में कितना गया 50। तो मैंने उसके सामने वाले कंडीशन रखी, इफ एज इक्वल टू आपकी 50 हो, आप 50 के हो आपका सपोज करो, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी आपका, यानी कि प्रिंट आपको मैसेज देगा। मैं वेटिंग का मैसेज दूंगा, यानी कि वेट 1 ईयर, ठीक है, एंड कम आफ्टर अ ईयर, ओके, बिकॉज ऑफ एज, ठीक है, क्योंकि एज कितनी है 50 आपका, ये मैसेज दूंगा आपका। और जैसी उसकी एज ग्रेटर देन 50 हो जाएगी, अगर उसकी एज 50 है ग्रेटर देन, तो मैं उससे कहूंगा प्रिंट यहां पे 50, यू एंटर, आप एंटर कर सकते हैं, ओके फाइन। सपोज उसकी एज आपकी वोटिंग का, मैं इसमें प्लान नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ऐसा मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं कि मैंने इसमें एल्स कंडीशन रखी, और एल्स कंडीशन मैंने आपसे कहा कि यू हैव टू वेट फॉर ईयर,
ठीक है, आपको कुछ सालों के लिए इंतजार करना पड़ेगा आपका। ओके, तो ये कैसे हो सकता है, जब मैंने इसको रन किया तो आज का आउटपुट क्या आएगा आपका, वेट 1 ईयर एंड कम आफ्टर अ ईयर। ओके, आपके 1 ईयर के बाद, आपका 1 ईयर के बाद आप आइए। ठीक है, अगर सपोज करो उसने 21 नहीं बल्कि 60 पास किया, 60, 20 नहीं बनाओ 30 पास किया उसने, तो टोटल 60 हो गया आपका। तो देखिए यू एंटर। ओके, तो मैंने क्या किया, सिर्फ वैल्यू को गेट किया एज के थ्रू। क्या मैंने एज को प्रिंट करवाया, क्या नहीं करवाया, यहाँ पे कहीं पे भी मैंने एज को प्रिंट नहीं करवाया, सिर्फ ओनली वैल्यू को गेट किया और उसकी हेल्प से प्रोग्राम को आपका फॉरवर्ड किया आगे, हमने उसका यूज किया और आगे अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। जैसे ये वो हिसाब हुआ आपका कि आपने एक जगह बिजनेस ओपन किया, वहां से जो पैसा आया आपने उस पैसे को किसी दूसरे बिजनेस में लगा दिया, फॉरवर्ड कर दिया आगे, फिर वहां से जो पैसा आया आपका उसने तीसरे बिजनेस में आप लगा दिया, ऐसे करके आपने चेन बनती गई आपकी, जिससे प्रॉफिट भी बनता गया आपका और साथ में आपके आपकी क्वालिटी यानी कि आपकी पहचान भी बनती गई, और आपने उसका बहुत रीयूज किया, उस पैसे का रीयूज किया, यानी आपने इस फंक्शन का रीयूज किया आपका और बहुत बार उसको कॉल किया आपका। समझे इस बात को, कैसे हम कैसे कॉल कर सकते हैं। ओके फाइन, तो ये आप समझ गए कि रिटर्न वर्सेस प्रिंट में क्या अंतर है आपका। तो हालांकि मैं फिर भी कहूंगा कि रिटर्न इज बेटर, प्रिंट इतना बेटर नहीं है, प्रिंट आपको यहाँ पर प्रिंट करके दे देगा आपका, जहां प्रिंट करोगे तो आपका कोई काम का नहीं रहेगा, सिर्फ प्रिंट यहीं तक ही सीमित रहेगा। देखो जहां मैंने इसको प्रिंट किया, यहाँ पे नॉर्मली, यहाँ मैंने इसको नॉर्मली प्रिंट किया, तो देखिए तो ये यहीं तक ही सीमित रहेगा, कुछ ना कुछ कहेगा। देखो क्या कह रहा है, ये बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यहाँ पे, नॉन टाइप एंड एंड। ओके, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ ओनली रिटर्न ही यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि रिटर्न क्या है, रिटर्न वर्सेस प्रिंट क्या है आपका, कि रिटर्न है बेटर है या प्रिंट बेटर है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रिटर्न ही बेटर है आपका, रिटर्न ही यूज कीजिए आपका। ओके, फिर आज की इस वीडियो में काफी है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालू। ओके, अपने यूट्यूब चैनल पर, और कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको। ओके, आप वैसे भी कमेंट कर सकते हैं, कैसा लगा आप बताइए, ये वीडियो, ये चैप्टर कैसा लगा आपका। तो आज की वीडियो काफी है, थैंक्स।